नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। इस मामले में अगर बात करें कुवैत की कोविड-19 के बारे में, तो सबसे कम रिस्पॉन्स या वर्करों की तरफ सरकार का कोई भी रुख अच्छा नहीं रहा। जी हाँ साथियों, पूरा मार्च से लेके 1 साल निकलने को आया और अभी साल एंड भी हो रहा है, तभी भी आपका लिए नेगेटिव वो पॉइंट लेके निकल रहे हैं। कानून आपके विपक्ष में बनते जा रहे हैं। कोई भी सरकार की तरफ से आपको कोई ये नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई कोई सरकार ने अपने वर्करों के हित में ये अच्छा कानून बनाया, ये अच्छा किया वगैरह वगैरह। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, आज भी हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ साथियों, कुवैत एक ऐसी कंट्री बन गया कि भाई वो ऐसा है कि मुंह बंद करके मारता है, आवाज भी नहीं निकलने देता। आज भी जो अपडेट आया है, इसी महीने में आया, दिसंबर में, उसी की हम बात करेंगे। जी हाँ, 46,000 लोग तो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जो कुवैत नहीं जा सकते, सरकार ने ब्लैक लिस्ट उनको कर दिया है। आगे हम बात करते हैं कुवैत के बारे में क्या अपडेट आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज कुवैत के बारे में नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। मार्च के बाद में अब तक जो लोग कोविड की वजह से फंस गए थे, कुवैत में फंस गए क्योंकि फ्लाइट इंडिया के लिए बैन थी, और जो इंडिया में आए थे वो इधर फंस गए क्योंकि इधर से भी उधर के लिए फ्लाइटें बैन थी। तो बंदा जाए करे तो क्या करे, यानी कुवैत में वहां जो लोग है ना, उनकी भी स्थिति खराब है। आज से 5-6 महीने तक बता दूं, नवंबर तक 1,30,000 वर्कर थे जो इलीगल थे, अब वो बढ़ के मैं बता दूं 1,76,000 लोगों की संख्या हो चुकी है। यानी 1,76,000 लोग अभी और इलीगल हो गए, यानी टोटल और बढ़ गए। 46,000 जो और थे ना, मैं बता रहा हूँ। अब बताओ जी, फ्लाइटें बैन है, इंडिया पाकिस्तान या कहीं के भी लोग अपनी कंट्री नहीं आ सकते। वो बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, कुवैत में क्या कर रहे हैं, वो नहीं तो अपना वीजा रिन्यू करवा रहे हैं, नहीं वो स्टेटस चेंज कर रहे हैं, नहीं वो देश छोड़ रहे हैं। जबकि सोचने की बात है जी, फ्लाइट बंद है तो बंदा कहाँ जाए, आकाश में उड़ के तो नहीं जा सकता ना। हालांकि सरकार बोलती है कि हमने इसके निपटान के लिए समय निर्धारित किया था, लेकिन फिर भी वर्कर नहीं पहुंचे, यानी 1% लोग ही पहुंचे थे। यानी 1,000 लोगों ने ऐसे थे जो इलीगल थे और वो अपने देश जाना चाह रहे थे, बाकी लोग हैं इलीगल है वो नहीं आ रहे हैं। यानी 1,76,000 लोग हो चुके हैं, उनमें से 46,000 लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जो एक बार अपने देश चले जाएंगे वो वापस कुवैत नहीं जा सकते। जी हाँ, और 1,30,000 पहले से बैठे थे, 1,76,000 लोग टोटल हो चुके हैं। और सरकार ये चाहती है कि भाई ये जल्दी से निकले, लेकिन निकले कैसे। आंतरिक मंत्रालय जो कुवैत का है, वो ये चाहता है कि भाई चलो इनको हम समय सीमा और बढ़ा देते हैं इनका, लेकिन वो अवैध लोगों को कुवैत छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वो ये चाहता है कि इनको हम पूरा इनका इलाज करके भेजेंगे ताकि ये वापस नहीं आ सके। आपको पता है पहले पूरी स्टोरी मैंने बता रखी है, किस तरह से कानून बना रहे हैं, 8 लाख लोगों को वो निकालने की सोच रहे हैं, इंडियन लोगों को वगैरह वगैरह, जो आप सबको पता ही होगा। कुवैत में टोटल अभी तक जो निकल के बात आ रही है, 3 लाख वर्क परमिट वाले हैं, वैध वर्क परमिट वीजा वालों की बात कर रहा हूँ। 3 लाख लोग हैं, उनमें से बता दूं वो भी कुवैत के बाहर हैं, यानी जो लोग अपने अपनी कंट्रीज जा चुके थे वापस नहीं गए, उनमें से 1,50,000 लोगों के वीजा एक्सपायर हो गया। जो 3 लाख लोग थे ना वैध परमिट वाले, वो अपने अपने देश आए थे, उनका 1.5 लाख लोगों के वीजा एक्सपायर हुए हैं भाई कुवैत वालों के। अब उनका कुछ नहीं होगा, सरकार ने ऐसी कोई घोषणा भी नहीं की है कि भाई चलो हम जनवरी में आपका ये हेल्प कर देंगे, आपका वीजा रिन्यू कर देंगे, या आप कुवैत में आ सकते हो, अपना वीजा दोबारा रिन्यू करवा लो, या फिर आप विजिट लेके आ जाओ, यहाँ अपना वीजा एक्सटेंड हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक तो आया नहीं है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा किया कि भाई हम आप जो फ्लाइटें बंद ओपन नहीं करेंगे, हम 1 जनवरी से बता दूं आपको बंदरगाह और रेल मार्ग भूमि मार्ग समुद्र मार्ग, ये फ्लाइटें, ये जो है रास्ते ओपन कर देंगे। बाकी फ्लाइटों का नाम अभी तक नहीं लिया। अब उनको कौन समझाए भाई, जो एशियन कंट्री के लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, ये लोग कैसे समुद्र के रास्ते आ जाएंगे या कार लेके आ जाएंगे, ये रास्ते ओपन किए हैं। बाकी भाई फ्लाइटों का अभी तक कोई अपडेट है नहीं, होगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। यही जानकारी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।